Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your science teacher, Ms. Ramsha, and today we will solve the exercise of unit number 11, measurement of physical quantities. It is a continued lecture of this chapter. If you remember, student, in my last video we will solve the question answer of this chapter, but today we will solve true false and blanks. So first true false is we use thermometer टू मेजर द टेम्परेचर. आप थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, सो राइट हेयर ट्रू. नेक्स्ट आपके पास है देयर आर 9 बेज एसआई यूनिट्स. आपके पास जो बेज एसआई यूनिट हैं वो 9 हैं. नहीं स्टूडेंट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. आपके पास 7 बेज एसआई यूनिट्स होते हैं, सो राइट हेयर फॉल्स. नेक्स्ट आपके पास है द स्क्रू गेज इज़ यूज टू मेजर इवन स्मॉलर डायमेंशन देन द वर्नियर कैलिपर. ये कह रहे हैं कि स्क्रू गेज जो है वो आपके पास यूज होता है स्मॉलर किसी भी चीज़ का. अगर स्मॉलर डायमीटर या डायमेंशन आपको मालूम करना हो तो वो आपके पास जो है वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में हम स्क्रू गेज यूज़ करते हैं. दिस इज राइट स्टेटमेंट, राइट हेयर ट्रू. नेक्स्ट आपके पास है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. ये जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के. मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, वेट होगा. सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, राइट हेयर ट्रू. नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ क्या है, मास एंड इनर्शिया आर नॉट द सेम थिंग. मास और इनर्शिया जो है वो सेम थिंग नहीं होते, जबकि हमने क्या पढ़ा था कि मास और इनर्शिया जो है वो सेम थिंग होते हैं. सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, राइट हेयर फॉल्स. नेक्स्ट आपके पास है सिक्स द टेम्परेचर. जो आपके पास सिक्स है वो है कि जो टेम्परेचर है आपके पास जीरो के का वो जो कॉमनली रिफर्ड आपको रिफर्ड किया जाता है. तो दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट, सो राइट हेयर ट्रू. लास्ट है आपके पास द एसआई यूनिट ऑफ मास इज ग्राम. आपके पास हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स के जो मास का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, ग्राम होता है. स्टूडेंट यू नो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, ग्राम नहीं होता. सो राइट हेयर फॉल्स. नाउ वी विल सॉल्व द ब्लैंक्स. द फर्स्ट ब्लैंक इज द एसआई यूनिट फॉर लेंथ हाइट ब्रेथ और डिस्टेंस इज द मीटर. कि आपके पास लेंथ का हाइट का ब्रेथ का एसआई यूनिट्स क्या होता है, मीटर होता है. इन सब का एसआई यूनिट जो है वो आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, यू नो मीटर. सो राइट हियर मीटर. नेक्स्ट है आपके पास अ वर्नियर स्केल हैज 10 डायमेंशन इन 0.9 मिलीमीटर. एक जो वर्नियर कैलिपर होता है उसके अंदर कितने डायमेंशन होते हैं 0.9 मिलीमीटर के अंदर, तो आपके पास 10 डायमेंशन होते हैं. सो राइट हेयर 10. थर्ड है आपके पास शेप्स ऑफ कंटेनर्स फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स डैश. कि आपके पास जो कंटेनर्स के शेप होते हैं लिक्विड्स और सॉलिड के, वो आपके पास मतलब चेंज वेरी करते हैं, मतलब चेंज हो सकते हैं. नेक्स्ट राइट हेयर वेरी. फोर्थ है आपके पास वाटर फ्रीजर एट 0 सेल्सियस डिग्री एंड बॉयल्स एट अबाउट डैश. वाटर जो है वो 0 सेल्सियस, कितने सेल्सियस डिग्री पे बॉयल होता है, फ्रीज होता है, और कितने सेल्सियस डिग्री पे बॉयल होता है. तो स्टूडेंट 0 सेल्सियस डिग्री पे आपके पास फ्रीज होता है और 100 सेल्सियस डिग्री पे बॉयल होता है. सो राइट हेयर 0 सेल्सियस डिग्री एंड राइट हेयर 100 सेल्सियस डिग्री. आपके पास फिफ्थ वन है टेप्स एंड रूलर्स आर यूज टू मेजर डैश डिस्टेंस. आपके पास टेप्स और जो रूलर्स होते हैं वो मेजर किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं मेजर करने के लिए डिस्टेंसेस को. कौन से डिस्टेंसेस को, बिगर डिस्टेंसेस को. मतलब ज़्यादा डिस्टेंस, बिगर डिस्टेंस होते हैं बड़े बड़े, उनको मेजर करने के लिए हम टेप्स और रूलर्स जो है वो यूज़ करते हैं. आपके पास सिक्स है द पुल ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डैश. कि आपके पास अर्थ जो है वो पुल कर रही होती है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ, तो ये फोर्स आपके पास क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, टू यू नो वेट कहलाती है. सो राइट हेयर वेट. लास्ट है आपके पास मेट्रिक टाइम इज द मेजर ऑफ डैश यूजिंग द मेट्रिक सिस्टम. कि मेट्रिक टाइम को जो है वो आप मेजर करते हैं डैश के अंदर मेट्रिक सिस्टम में. सो द करेक्ट आंसर इज टाइम इंटरवेल्स. सो राइट हेयर टाइम इंटरवेल्स. Students, we have to do all this work in your notebook. Students, take out your book and open the page number 159 and here the question number 17. Choose the correct answer from the given options. Choose the best answer given. आपको यहाँ पर इनको आपको book में ही fill करना है. पहला क्या है आपके पास, dash is in use nowadays.
डैश जो है वो आपके पास जो है आज मतलब अब जो है वो यूज़ हो रहा है ना इन दिनों में, क्या है आपके पास सिस्टम्स ऑफ ऑप्शंस, क्या हैं आपके पास सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, मैट्रिक सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एंड इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। राइट आंसर इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट हियर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट है आपके पास यूजुअली द सिंबल्स फॉर फिजिकल क्वांटिटीज आर चूजन टू बी सिंगल लेटर और द ऑफ द लैटिन और डैश रिटन इन इटैलिक टाइप। आपके पास जो सिंबल है फिजिकल क्वांटिटीज़ का वो सिंगल लेटर है कि लैटिन में बी और इटैलिक टाइप में जो है वो कैसे लिखा जाता है, फिनोसियन अल्फ़ाबेट, हेब्रू अल्फ़ाबेट एंड ग्रीक अल्फ़ाबेट। सो राइट आंसर इज़ ग्रीक अल्फ़ाबेट, सो राइट हेयर ग्रीक अल्फ़ाबेट। थर्ड है आपके पास द सेवन बेस एसआई यूनिट्स आर लिस्टेड इन द डैश सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एंड मेट्रिक सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। राइट आंसर इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, राइट हियर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी इसमें डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर, मास, लेंथ एंड स्पीड। राइट आंसर इज स्पीड, सो राइट हियर स्पीड। What is the SI unit of a temperature? The SI unit of a temperature is Kelvin, so right here Kelvin. The symbol CD stands for candela, centimeter, ampere, second. Right answer is candela, so right here candela. Which of the following is SI unit of volume? Centimeter cube, kilometer per cube, millimeter per cube, milliliter per cube. So right answer is aapke paas centimeter per cube, so right here centimeter per cube. How many millimeters are there in 10 centimeter? 10 centimeter में कितने millimeter होते हैं, 100 millimeter, 200 millimeter, 50 millimeter, 10 millimeter. Right answer is 100 millimeters, so right here 100 millimeter. Last आपके पास है डैश इज यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट। आपके पास अगर कोई इरेगुलर ऑब्जेक्ट हो और अगर आप उसका वॉल्यूम मेजर करना हो तो आप कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैन, पाइपेट और ब्यूरेट, आप क्या करेंगे। राइट आंसर क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैन के जरिए आप क्या कर सकते हैं उसके इरेगुलर वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। वी हैव टू डू ऑल दिस वर्क इन योर बुक। आपको चूज द बेस्ट हैं वो बुक में अंदर ही फिल करने हैं और ट्रू फॉल्स एंड ब्लैंक्स जो है वो आपको अपनी कॉपी के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से करनी है। और इन ट्रू फॉल्स ये चूज द बेस्ट आंसर का आपको बुक वर्क जो है अपनी कॉपी के अंदर मेंशन करना है और पेज नंबर भी मेंशन करना है। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर, आई विल कंटिन्यू माई लेक्चर इन माई अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।